किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज मेरे पास गंगो से एक बहुत ही अच्छे किसान मित्र आए हैं, मेरे फार्म पर आए हैं और उन्हें जिला स्तरीय पुरस्कार भी मिला है। अमरूद की खेती करते हैं, तो उन्होंने बातों बातों में मुझसे कई चीज़ें बहुत अच्छी साझा करी और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वे मेरे फार्म पर आए। अभी मिलवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे अमरूद में एक दो चीज़ें बताई जो अभी तक मुझे नहीं पता थी। तो उनमें एक थी, जो जहाँ पर आपकी ग्राफ्टिंग होती है उसमें थोड़ी डंडी निकली हुई होती है ऊपर की तरफ और नीचे जो ग्राफ्ट होती है, कि इसको हटाइए और इसमें नीचे तक आप बोर्डो पेस्ट करें। जब हम बोर्डो पेस्ट की बात करते हैं तो एक अलग ही आता है, जो अनुपात है साइंटिफिक उसमें 1:1:10 का होता है। यानी 1 किलो आप नीला थोता लीजिए, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और 1 किलो बुझा हुआ चूना लीजिए और इन दोनों का मिक्सचर बनाकर बनाइए। पर इन्होंने मुझे कुछ थोड़ा अलग अनुपात बताया है, तो आइए मिलते हैं हम अपने किसान भाई चेतन सिंह जी से और उनसे जानते हैं कि बोर्डो पेस्ट बनाने की, जो कि एक बहुत ही फंगस की बहुत ही अच्छी चीज है, कि वो क्या अनुपात बताते हैं। और आप सब ध्यान से सुनिए और इसको अपनाइए, क्योंकि ये इन्होंने विधि अपनाई हुई है, थोड़ी सी अलग है, इनको किसी वैज्ञानिक ने बताई थी, और आप भी सुनिए। आइए मिलते हैं किसान भाइयों। अमेजिंग किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार से फिर स्वागत है। और ये विधि बोर्डो पेस्ट की एक पारंपरिक और पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा अनुमोदित है। इसका मैं आपको अनुपात बताता हूँ। 1 किलो नीला थोता ये ले लीजिए और 2 किलो चूना, इनको मिट्टी के बर्तन में, ध्यान रहे मिट्टी के बर्तन में अलग अलग ले लीजिए। आपको लेना है 6 लीटर से 7 लीटर पानी, 1 लीटर कम या ज्यादा आप कर सकते हैं क्योंकि पेस्ट गाढ़ा और पतले होने की वजह से। इनको अलग अलग भे लीजिए और 6 घंटे तक अलग अलग ही आपको रखना है। जब आप इसका इस्तेमाल करें तभी इनको मिलाएं। और ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मैं 2 साल से इसका इस्तेमाल करता हूँ। और कई जो पुराने बागवान हैं जिन्हें पुस्तैनी ये ज्ञान प्राप्त है, मैं उनसे भी मिल चुका हूँ, उन्होंने भी यही बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिला है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 1 किलो कॉपर सल्फेट नीला थोथा जिसे बोलते हैं उसको ले लीजिए और 1 मिट्टी के बर्तन में 3 या 3.5 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें उसको घोल लीजिए, और दूसरे मिट्टी के बर्तन में 2 किलो चूना। यहाँ ध्यान रहे ये 2 किलो चूना है, 2 किलो बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। तो उसको मिट्टी के बर्तन में लीजिए और पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, क्योंकि उसमें से भाप निकलेंगी, वो बुझना शुरू होगा, थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके उसमें भी 3.5 लीटर आपको पानी डालना है। जब वो बुझ जाए उसको रख दीजिए 6 घंटे के लिए। 6 घंटे बाद दोनों को अच्छी तरह चलाइए और फिर दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब दोनों को मिक्स करने के बाद कितने समय तक हम इसको प्रयोग कर सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। तो आपने अगर एक बार इसको मिला लिया तो 24 घंटे से ज्यादा आपको नहीं प्रयोग करना है। तो अगर मात्रा कम करनी पड़ी तो इसको आधा कर लीजिए। तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे चेतन जी का कि वो आज आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।